बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आशीती। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रसगुल्ले की रेसिपी और साथ में दूंगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इन पे अमल कीजिएगा तो क्या होगा कि आपके रसगुल्ले बिल्कुल नहीं टूटेंगे और असली बाजार जैसे बनेंगे। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, फ्रेश मिल्क लिया है 1.5 लीटर के करीब और उसे सॉस पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब इस सॉस पैन को मैं चूल्हे पे रख रही हूँ ताकि मैं दूध को उबाल सकूँ। दूध को मैं तेज आंच पे बॉईल करूंगी। और दोस्तों मैं बताती चलूँ, दूध को मुझे फाड़ना है यानी कि पनीर को मुझे अलग करना है। तो मैं क्या करूंगी, आधा कप विनेगर और आधा कप सादा पानी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि दूध जो है वो फट जाए। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, नींबू की मदद से भी इसे फाड़ सकते हैं। और अगर आपका दूध कुदरती तौर पर फट जाता है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं, आप उसे हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पनीर अलग हो चुका है, लेकिन में थोड़ी सी कसर है। तो मैंने क्या किया है, 1 लीटर जो है ठंडा पानी इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इसमें बर्फ ऐड कर दें तो भी सही रहेगा। अब इसे मैं एक छलनी में एक कपड़ा रख के इसे छान रही हूँ। आपने कपड़ा मैंने जो लिया है वो नेट टाइप का लिया, आप भी बिल्कुल इसी टाइप का लें ताकि पानी उससे निकल सके लेकिन पनीर यहाँ स्टे कर जाए। मैंने पनीर उसको अलग कर दिया, पानी इसका ज़ाया कर दिया। अब इस कपड़े को पकड़ के मैं अच्छे से निचोड़ रही हूँ। आप देखते जाएं, एक एक स्टेप फॉलो करें ताकि आपकी जितनी गलतियाँ हैं वो सारी ठीक हो सकें। मैं इसे अच्छे से साफ कर रही हूँ। अब इसे पानी की मदद से साफ करें। इसे पानी क्यों गुजारा है मैंने, दोस्तों इसका भी रीज़न सुन लें। क्योंकि इसमें जो सिरका या आपने नींबू की मदद से इसे फाड़ा है तो क्या होगा कि उसकी जो खटास है वो पानी की वजह से, एक लिहाज से आपने इसे साफ कर दिया, धो दिया है, तो क्या होगा वो खटास वगैरह इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने कपड़े को अच्छे से बांधा है और इसको मजीद दबाती जा रही हूँ। आपने अच्छे से इसे सुखाना है, बहुत ही एक्स्ट्रा नहीं सुखाना, थोड़ा सा इसको आपने चिकनाहट रहने देनी है। साथ में मैं शीरा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। 1 कप जो शुगर है उसमें मैंने क्या किया है, 3.5-4 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। यहाँ एक और बात याद रखें कि दोस्तों पानी आपने ज़्यादा लेना है, आपने बिल्कुल गाढ़ा शीरा नहीं लेना है। इससे क्या होगा, जब आप रसगुल्ले उसमें डालेंगे तो कम पानी की वजह से क्या होगा, वो चिपटे बनेंगे, वो फूलेंगे सही से नहीं, उन्हें जगह चाहिए फूलने के लिए, तो आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मैंने 5 सब्ज़ इलायची जो हैं वो इसमें ऐड कर दी है। ये बहुत ही मज़े का जायका देती हैं इलायची का। अब क्या हुआ है कि मेरा जितना भी पनीर है इससे पानी छन चुका है। अब इसकी बारी आती है सही से अच्छे से इसे गूंदने की। तो दोस्तों मैंने इसे हथेली की मदद से अच्छे से रगड़ा देती जा रही हूँ, इसे मुझे बिल्कुल क्रीम बनाना है। यहाँ एक और टिप नोट करते जाएं, आप अच्छा नहीं गूंदते जिसकी वजह से अगर आपके रसगुल्ले टूटते हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है। आपने इसे बिल्कुल क्रीम बनाना है ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे, किसी भी किस्म की इसमें दरारें ना आए। तो अब मैंने क्या किया, 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच जो है चावल का आटा या 1 चम्मच सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अच्छे से इसे गूंद चुकी हूँ, इसे बहुत ही मुलायम क्रीम की तरह इसे बना चुकी हूँ। इससे इंशाल्लाह ताला क्या होगा, आपके रसगुल्ले नहीं टूटेंगे। अमल करते जाएं, हर चीज़ पे अमल करें, बहुत ही आसान है। आपका जो फटा हुआ दूध आप ज़ाया करते हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे इस चीज़ में यूटिलाइज कर लें। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था, अब 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसके गोल गोल पेड़े बना रही हूँ। आप देख रहे हैं इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स की वजह से भी ये जब इसे मैं शीरा या बॉयल करते हुए ये क्या हो जाएंगे, फट भी सकते हैं आपके, टूट जाएंगे। तो लुक तो अच्छा नहीं आएगा, जायका बेशक बहुत ही बेहतरीन हो। तो हम लोग किस चीज़ पे काम करते हैं, एक्सपर्ट का क्या काम होता है, लुक और जायका दोनों बेहतरीन हो तो आपकी बहुत ही तारीफ होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने 1 बाय 1 करके सारे पेड़े बना लिए और इन्हें एक बर्तन में भी रख दिया, आप जैसे देख सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, एक एक करके मैं इसे, जो शीरा मेरा है तैयार हो चुका होगा, मैं यहाँ पर इसकी तैयारी कर रही थी, साइड पे मैं शीरा रख दी। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। अब इसमें मैं डालती जा रही हूँ, ज़्यादा हरगिज़ मत डालिएगा क्योंकि अगर इनके पास फूलने की जगह नहीं होगी, आप एक साथ ही सारे 10-15 उठा के डालेंगे तो क्या होगा, जगह इनको फूलने की नहीं मिलेगी तो ये ज़्यादा नहीं फूलेंगे। आप इन्हें 2 बारियों में पका सकते हैं, 3 बारियों में पका सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे 1 बारी को पकाने के लिए। तो 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने फूले फूले खिले खिले बने हैं, ज़रा भी नहीं टूटे। तो आप देख रहे हैं 7 से 8 मिनट पकाने के बाद मैंने इन्हें पलटा है, दोबारा 7 से 8 मिनट के लिए इसे रख दिए हैं। तो ये दोनों साइड से कम्प्लीटली पक चुके हैं,
मजेदार, बिल्कुल बाजार जैसे। तारीफें आपकी बेइंतहा होंगी, तो उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। अब इसे क्या कर रही हूँ, मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ इन्हें एक बर्तन में, मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, आप छोटा लें, बड़ा लें, किसी भी किस्म का जो बर्तन है आप ले सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मेरे तो मुँह में तो पानी आ रहा है, इसका इंतजार नहीं कर पा रही कि इसे हम कब खाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब जो शीरा है वो इसके साथ मैं इस पर डालती जा रही हूँ। तो आप डिश आउट कर लिया है मैंने, शीरा भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ मैं बादाम को। तो 7 से 8 के करीब मैंने बादाम लेके उन्हें बारीक काट लिया था। अब इनके ऊपर सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मजेदार बाजार जैसे रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।